हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है टेक बिल्ला में। मैं हूं आपका दोस्त सेनोस टेक्निकल शशांक। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हाउ टू यूज क्लीन मास्टर ऐप। तो भाई क्लीन मास्टर नाम का ये ऐप है, इसके काफ़ी सारे डाउनलोड्स हैं। और क्यों इतने डाउनलोड है, तो जब मैंने रिसर्च किया और फाइंड किया कि भाई ये ऐप जो है वाकई में कारगर है और इसको कैसे यूज़ करना है, क्या क्या ये चीज़ें करता है, मैं आपको इसमें डीप में वीडियो में बताने वाला हूँ। तो भाई डीप क्लीन आपका जो है क्लीन मास्टर के नाम से वीडियो है, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको प्ले स्टोर में भी अवेलेबल है, सिर्फ आपको टाइप करना है क्लीन मास्टर, वहाँ पे आपको ऐप अवेलेबल हो जाएगा। अभी जैसे आप ओपन करेंगे तो आपको फ्रंट स्क्रीन में इस तरह की स्क्रीन सामने होगी। अगर UI पहले जैसा रहा होगा, पहले चेंज हो चुका है, इसका UI पहले दूसरा था। इसमें एक साइड स्टोरेज है, दूसरे साइड रैम है। इन दोनों के बीच में इसको जो है तालमेल बनाना है और इस ऐप को कूल करने के लिए, मतलब आपके जो मोबाइल है उसको भी कूल करने के लिए इसमें कुछ फैक्टर्स लगाए गए हैं। तो क्या क्या चीज़ें हम एक एक बार इसे देखते हैं। जैसे क्लीन नाउ का एक ऑप्शन ऊपर दिया हुआ है, जंक फाइल फाउंड। तो भाई जंक फाइल का मतलब पहले क्या होता है, पहले आप लोग वो समझ लीजिए। जंक फाइल्स वो हैं जो बहुत समय से पड़ी हुई हैं आपके मोबाइल में, लेकिन उसका कोई यूज़ नहीं हो रहा है। जैसे कि आपने कोई APK फाइल डाउनलोड करी, डाउनलोड होने के बाद में वो आपका डाउनलोड तो हो चुका है और आपने उसको इंस्टॉल भी कर लिया, लेकिन जो उसका सेटअप है वो वहाँ पड़ा हुआ है। तो वो जब सालों साल या 6 महीने 8 महीने से पड़ा रहता है तो उसको जंक फाइल कहा जाता है। या कई ऐसी फ़ोटोज़ जिसका कोई यूज़ नहीं हो रहा है, या कई ऐसे वीडियो, या हो सकते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो कैशी हो। कैशी मतलब होता है जब आप कोई वेबसाइट खोलते हैं और उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन किसी छोटे छोटे फाइल्स में सेव हो जाती है, उसको हम कैशी मेमोरी कहते हैं। तो वो सारे कुछ यहाँ से हटाने के बाद में आपको मोबाइल जो काफ़ी लाइट हो जाएगा और चलने में काफ़ी आसानी होगी। तो यहाँ जंक फाइल का एक ऑप्शन है, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको बताएगा क्या क्या चीज़ें हैं। देख सकते हैं कैशी जंक एक बता रहा है, इसके बाद में रेसिडुअल जंक फाइल्स, और इसके अलावा यहाँ पर एड जंक है, जो जो एड्स की जो जंक होती है वो आपको यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। ऑब्सोल्यूट APK फाइल जो मैं आपको बता रहा था, जो कि यूज़ नहीं हो रही ज़्यादातर, वो फाइल्स भी यहाँ पर डली हुई हैं। तो प्लीज़ अलाउ, तो अलाउ पे आप जब क्लिक करेंगे तो वो फाइंड करना शुरू करेगा, आपके डिवाइस को स्कैन मारेगा, और ये स्कैन मारने के बाद आपको बताएगा कि कौन कौन सी ऐसी फाइलें पड़ी हुई हैं और वो कितने MB की हैं। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी जंक फाइल मेरे मोबाइल में पड़ी हुई है, क्योंकि मैंने बहुत समय से इसको यूज़ नहीं किया हुआ है और ये जो है बहुत समय से डला हुआ है। तो अभी सिर्फ कैशी जंक हमारे पास कम से कम 1 GB के आसपास है, रेसिडुअल जंक फाइल्स अलग हैं और एड जंक अलग है। अगर आपके जो ऑब्सोलीट APK फाइल्स हैं, ये अगर आप नहीं भी डिलीट करना चाहते तो यहाँ से टिक अगर हटा देंगे तो वो वहाँ से नहीं डिलीट होगी। क्योंकि क्या होता है, कई बार लोग सेटअप डाउनलोड कर लेते हैं, बाद में उसको वो APK फाइल नहीं मिलती है। तो आप APK फाइल ना भी डिलीट करना चाहें तो उसको यहाँ से जो है टिक इसका हटा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको बता रहा है कौन कौन से ऐप के जंक ज़्यादा हैं, तो उन सबको आप यहाँ पर टिक रहने दीजिए जो आपके काम का ना हो, और जो आपके काम की लग रहे कि नहीं यार इस ऐप से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो मेरी ज़रूरी हैं, उनको आप जो है टिक हटा सकते हैं, है ना। तो ये आप कर लीजिएगा, और इसके बाद में ये आपका सारा कुछ 1.something GB का यहाँ पे जंक बता रहा है। तो हम इसे क्लीन कर देते हैं 2 GB जो है, और हमारी ये देख सकते हैं आप फटाफट क्लीनिंग हो रहा है। ये करने से आपका मोबाइल जो है थोड़ा फास्ट वर्क कर, और होने के बाद में यहाँ पे आपको बता रहा है कि 2.1 इसके बाद में ऐड भी आ सकता है बीच बीच में। होने के बाद में ये आपका बता रहा है क्लीन आपका हो चुका है। आप बैक चले जाइए, बैक जाने के बाद में इसमें कुछ आपके एड्स वगैरह आते हैं, क्योंकि ये फ्री ऐप है तो इसलिए इसमें ऐड आपको देखने को मिल सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कुछ आपका परसेंटेज स्टोरेज का भी कम हुआ दिखेगा आपको, जो 75 था, और रैम का भी कुछ जो परसेंटेज आपका यूज़ हो रहा था वो आपका कम हुआ है। अब फ़ोन बूस्ट का दूसरा ऑप्शन है, फ़ोन बूस्ट के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको दिखाएगा कि कौन कौन सी आपके रैम को ज़्यादा से ज़्यादा ऐप जो हैं यूज़ कर रही हैं। टू डिटेक्ट रैम यूसेज प्लीज़ ग्रांट द नेसेसरी परमिशन, तो हमें इसमें कुछ परमिशंस होती हैं वो आपको अलाउ करनी होगी। तो इस तरह से आपको जो है परमिशन देनी है, और आपको जाना है इस ऐप के अंदर में जिसका नाम है क्लीन मास्टर, और इसके अंदर में आके आपको परमिशन देनी है। और अब जब परमिशन आप अलाउ कर देते हैं तो बूस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, और बूस्ट करने के लिए यहाँ पे कुछ फाइल्स आपकी पड़ी हुई हैं, वो फाइल्स को डिलीट करने के यहाँ पे बता रहा है। अगर आपकी कुछ फाइल्स ज़रूरी हैं तो अपने यहाँ से आप चेक को हटा लीजिए,
जिस ऐप में अगर ज़रूरी और नहीं है तो बस आपको बूस्ट पे कर देना है क्लिक और फ्री अप करेगा। बूस्ट करने से आपके फ़ोन की स्पीड जो है बढ़ जाएगी, क्योंकि रैम जितनी ज़्यादा खाली होगी मोबाइल उतना अच्छा परफॉर्म करेगा। तो यहाँ बीच बीच में आपको एड्स भी देखने को मिल सकती हैं, और इसके बाद में आपका ये रैम भी बूस्ट हो चुका है। सीपीयू कूलर की एक ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, सीपीयू का कितना टेम्परेचर है उसको ये मेज़र करेगा, और उसके बाद में आपका अगर टेम्परेचर कम करना है तो वो भी आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाएगा। तो इफ समवन पीपिंग योर नोटिफिकेशन मैसेज हाइड नोटिफिकेशन प्रीव्यू टू प्रोटेक्ट योर प्राइवेसी, तो यहाँ पे आपको प्राइवेसी के लिए भी एक ऑप्शन दिखा रहा है अभी फिलहाल। तो अगर आप प्राइवेसी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे जो पॉपअप में आपके मैसेजेस आते हैं उन मैसेजेस को हाइड करना अगर आप चाहते हैं ताकि कोई और देख ना पाए, जैसे आपको नोटिफिकेशन आया कि इसने मैसेज आपको किया है कि आप कहाँ हैं, तो वो मैसेज आपको तो दिख रहा है साथ ही साथ दूसरे लोगों को भी दिख रहा है, तो यहाँ से अगर आप इसको चेक कर देते हैं तो वो प्रोटेक्ट हो जाएगी, और उसकी जो भी नोटिफिकेशन आएगी उसके ऊपर में जो है आपको सिर्फ लिखा आएगा वन मैसेज इन व्हाट्सअप, टू मैसेज इन व्हाट्सअप, व्हाट्सअप के अंदर में क्या लिखा आ रहा है वो नहीं दिखाएगा। तो इस तरह से आपको चेक कर लेना जिसकी भी नोटिफिकेशन आप ऑन ऑफ करना चाहते हैं। प्रोटेक्ट पे आपको क्लिक कर देना है, और परमिट ड्रॉ अदर ऐप पे आपको क्लिक कर देना होगा, और इसके बाद में जो है क्लीन मास्टर पे आपको जो है क्लिक करना होगा। इसमें बहुत सारी परमिशन ये मांगता है, हालांकि इसमें से कुछ परमिशन आपकी एक्टिविटीज़ को ट्रैक करने जैसी भी है। तो अगर आपका ऐप का आप यूज़ करिए और यूज़ करने के बाद में जंक फाइल डिलीट करने के बाद में ऐप को आप हटा भी सकते हैं, और रखना चाहें तो रख भी सकते हैं। तो ये आपका बता रहा है व्हाट्सएप के अंदर में आपने इसको इनेबल कर दिया है, लॉक प्राइवेट मैसेजेस पे आपने अगर क्लिक कर दिया। इसके बाद में आपको यहाँ पे पैटर्न बनाना होगा, जो पैटर्न आप ही देख सकते हैं कोई और नहीं देख सकता है। तो सपोज़ मैं ऐसा सिंपल पैटर्न बना देता हूँ, आप भी सिंपल ही पैटर्न बनाइए ताकि आप इसको बाद में भूल ना जाएं। और इसके बाद में बैक चले जाते हैं, तो बैक टू होम चले जाते हैं। तो भाई यहाँ एंटीवायरस का भी ऑप्शन दिया गया है, और इसके अलावा बैटरी सेवर का ऑप्शन दिया गया है। एंटीवायरस में अगर किसी प्रकार के आपके वॉर्म्स या आपके वायरस अवेलेबल हैं आपके मोबाइल में तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, और उसको जो है ये आप यहाँ पे अपडेट कर लीजिए। अगर आपका एंटीवायरस वर्जन आउटडेटेड है तो उसको अपडेट पर लगा दीजिए, वो अपडेट होता रहेगा। और बीच बीच में आपको एड्स भी देखने को मिलती रहेंगी इस ऐप में। तो इसके बाद में आप बैक चले जाइए, सेटअप वायरस डेटाबेस अपडेट आपको कब तक रखना चाहते हैं, 5 दिन में अपडेट बहुत है, सेव कर दीजिए, और इसके बाद में बैक चले जाइए। तो आपका एंटीवायरस भी चालू हो चुका है, और इसके बाद में अब आता है बैटरी सेवर। बैटरी सेवर मैंने आपको अभी बताया था कि लगभग लगभग वैसे ही है। एनालाइजिंग पावर यूसेज, कितना पावर यूसेज हो रहा है और कौन कौन से ऐप आपका यूज़ कर रहे हैं आपकी बैटरी को, तो वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। हाइब्रिड ऐप्स टू सेव पावर, आपको जो है हाइबरनेट करना होगा, मतलब उन ऐप को आपको जो है हाइबरनेट करना होगा जो ज़्यादा से ज़्यादा पावर कंज्यूम कर रहे हैं, और ऐसे करने से टू ऑप्टिमाइज योर फोन टैप टू शट डाउन बैकग्राउंड प्रोसेस, जो बैकग्राउंड में प्रोसेस चलती रहती है उनको आप अगर शट डाउन कर देते हैं तो इससे क्या होगा कि आपका पावर जो है वो कम कंज्यूम होगा। तो इसमें से कौन कौन से ऐप आपके लिए खास नहीं है, जो रखे रहते हैं मतलब जिनका ज़्यादा यूज़ नहीं है, उनको आप जो है बंद कर सकते हैं यहाँ से, और हाइबरनेट करके उसको जो है हाइबरनेट पे क्लिक कर दीजिए, और इससे क्या होगा कि आपकी जो बैटरी यूजेज हो रहा है वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हाइबरनेट हो रहा है, इसको होने देते हैं। आपके टोटल 10 ऐप मेरे हैं, आपके जितने भी ऐप हैं जो जिनका ज़्यादा यूज़ ना हो, और आपको फ्यूचर में अगर ऐप आप चालू करते हैं और थोड़ी देर में बंद हो जाता है तो आप हाइबरनेट को हटा भी सकते हैं। इसके बाद में हम बैक चले जाते हैं, और नोटिफिकेशन क्लीनर की एक यहाँ पे ऑप्शन दिया है, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारी नोटिफिकेशन कई कई बार तो जो है आपके ब्राउज़र से न्यूज़ की इतनी सारी नोटिफिकेशन आ जाती है जिसके कारण आपका मोबाइल जो है हैंग होने लगता है, या फिर मेमोरी ज़्यादा होने के कारण बैटरी भी इसकी खाती है। तो वो क्लीन नाउ पे आप जब क्लिक करेंगे तो जितनी भी नोटिफिकेशन आपकी वहाँ पे हैंगी तो वो आपकी जो है क्लीन हो जाएंगी, और क्लीन ऑल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो सारी नोटिफिकेशन, हालांकि ये ऑप्शन आपको बाहर भी दिया होता है,
ये ऑप्शन आप जब ऊपर रहते हैं तो आपको सबसे नीचे क्रॉस में एक ऑप्शन दिया रहता है जहाँ से आप उस बैटरी को आप वहाँ से हटा पाते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें नीचे जाएंगे तो ऐप लॉक का ऑप्शन दिया है, मैसेज सिक्योरिटी का ऑप्शन दिया है, तो इसमें से जो मेन है वो ऐप लॉक है। अगर आप चाहते हैं कि आपने पैटर्न से या फिंगरप्रिंट से आप ऐप को लॉक खोल सकें, मतलब आपके सिवा कोई और ना खोल सके, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे यूज़ पैटर्न का क्लिक करिए या वहाँ फिंगरप्रिंट पे भी क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे अपना एक पैटर्न ड्रॉ कर दीजिए कौन कौन से ऐप लॉक हैं। यहाँ से आपका अभी लॉक ऑन है और यहाँ से अगर आपको किसी में नहीं लगवाना चाहते हैं लॉक के भाई ये इस पर लॉक ज़रूरत नहीं है, तो उनको आप यहां से ओपन करके छोड़ दीजिए, अदरवाइज क्लोज रहने दीजिए। तो उनको आप जो है इस तरह से लॉक लगा सकते हैं और नीचे तक देख लीजिए जो आपको ज़रूरत हो वो करिए, अदरवाइज इसको रहने दीजिए। इसके बाद में वापस चले ये ऐप लॉक आपका लग चुका है। अब किसी भी ऐप को आप ओपन करेंगे तो आपको उसमें से जो है पैटर्न बनाना होगा। ये देखिए हमने पैटर्न बनाया तभी हमारा ऐप जो है